बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, पावर पॉइंट ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी हाउ टू अप्लाइंग ट्रांजिशंस इन पावर पॉइंट। व्यूअर्स, पावर पॉइंट की इस स्लाइड्स के अंदर या प्रेजेंटेशन के अंदर अगर हमने ट्रांजिशन को अप्लाई करना है तो उसको कैसे करते हैं। व्यूअर्स, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझ लें कि बड़ा ग्राफिकली दिलचस्प टॉपिक है, तो इसको देखते हैं। तो इसके लिए व्यूअर्स, यहाँ पे देखें हमारे पास एक प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर काफ़ी सारी ये स्लाइड्स हैं जिसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे ट्रांजिशन को। तो इसके लिए व्यूअर्स, आपको यहाँ पे ट्रांजिशन पे क्लिक करें तो ये देखें काफ़ी सारी ट्रांजिशन आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये फेड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का अफेक्ट जो है ना इसका शो होगा। पुश पे करते हैं तो ये देखें नीचे से ऊपर की तरफ पुश हो रही है। अगर अफेक्ट ऑप्शन को आपने देखना है लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट से यानी कि आए, अगर फ्रॉम राइट कर देंगे तो ये राइट साइड से यानी कि वो शो होगी, फ्रॉम बॉटम तो नीचे से ऊपर की तरफ आ जाएगी, अगर फ्रॉम टॉप कर देंगे तो ऊपर से नीचे की जानब जो है ना वो शो हो जाएगी। बस अगर मैं यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारे आपको इसके ट्रांजिशन जो है ना उसके नज़र आ रहे हैं। ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है सब टाइप, उसके बाद एक्साइटिंग और उसके बाद डायनामिक कंटेंट है। तो यहाँ पे कोई एक्साइटिंग वाला देखते हैं, जैसे ये हमारे पास क्यूब वाला है तो ये देखें कैसे शो हो रहा है इसका। अगर हमने इफेक्ट देखना है फ्रॉम लेफ्ट तो ये देखें ऐसे इसका शो हो रहा है, अगर राइट कर देंगे तो राइट साइड से ये देखें शो हो रहा है। उसके बाद व्यूअर्स, ये नीचे डायनामिक में देखें रोटेट, ये देखें कैसा शो हो रहा है। और उसके बाद फ्रॉम लेफ्ट देखें, और अगर आप चाहते हैं कि ये तमाम स्लाइड के ऊपर अप्लाई हो जाए तो यहाँ पे अप्लाई ऑल कर देंगे और उसके बाद व्यूअर्स हम यहाँ पे शो करते हैं। ये देखिए वन बाय वन करके स्लाइडें कैसे शो हो रही हैं, ये देखिए, ये देखिए। उसके बाद व्यूअर्स, ये तो था अप्लाई ऑल। उसके बाद अगर आप कोई साउंड का इसके अंदर यानी कि इजाफा करना चाहते हैं तो ये मुख्तलफ व्यूअर्स यहाँ पे साउंड्स हैं, जैसे ये विंड का साउंड है तो जैसे हम इसको प्रीव्यू करते हैं तो यहाँ पे नो साउंड आ रहा है, कुछ करते हैं और अप्लाई ऑल कर दें तो ये देखें ठीक हो गया। और कोई और टाइपराइटर वाला करते हैं, अप्लाई ऑन कर दें तो इसको शो करते हैं। ये मुख्तलिफ व्यूअर्स इसकी साउंड्स हैं, जो भी आपने अच्छा लगे इसको आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे स्क्रिशन है, इसको अप्लाई ऑन कर दें तो तमाम उसके बाद यहाँ पे कोई और अगर आपने चेक करना है वो भी कर लें, जैसे ये कैमराज वाला है इसको अप्लाई ऑल कर दें, यहाँ ये देखें जैसे ये देखें। उसके बाद व्यूअर्स, इसका ड्यूरेशन यानी कि आप चाहते हैं कि ये इसका ड्यूरेशन जो है ना कितना होना चाहिए, यहाँ पे ऑन माउस की बजाय आफ्टर पे अगर हम कर देते हैं यहाँ पर इसको, ये पहले वाले व्यूअर्स ये सेकंड है, उसके बाद हाफ सेकंड है, यहाँ पे ज़ीरो और यहाँ पे अगर मैं इसको 50 कर दूँगा तो ये हाफ सेकंड के बाद जो है ना इसका ड्यूरेशन जो है ना वो रह जाएगा। ठीक हो गया, और इसको अप्लाई अप्लाई और नहीं ना किया 0.50 और उसके बाद इसको अप्लाई ऑन कर दें तो उसके बाद व्यूअर्स आफ्टर यानी कि यहाँ पे ये समझ लें पहले आपके मिनट्स आ जाएंगे, फिर सेकंड आ जाएंगे, फिर ये हाफ सेकंड आ जाएंगे। इसको भी अगर आप यहाँ पे 5 सेकंड कर दें और उसके बाद यहाँ पे 0.0 कर दें
हर 5 सेकंड के बाद व्यूअर्स ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद इसको चेंज करता जाएगा। तो ये तो था व्यूअर्स इसका ट्रांजिशन का, ट्रांजिशन आप कैसे अप्लाई करते हैं। ट्रांजिशन आप एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, यहाँ से कोई भी इफेक्ट जो है ना आप यहाँ पे इसका ले सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद इसका इफेक्ट करना है, फ्रॉम राइट करना है, लेफ्ट करना है, जो भी आप कर सकते हैं। साउंड का अगर आपने यहाँ से करना है, जो भी साउंड आपको अच्छा लगे यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन अगर आपने चेंज करना है तो वो ड्यूरेशन आपका, ये पहले मिनट्स आ रहे हैं, ये हाफ मिनट्स आ जाएंगे। उसके बाद अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो ये तमाम जो स्लाइड्स हैं ना उसके ऊपर इसका इफेक्ट आ जाएगा। आप चाहते हैं कि अगली स्लाइड जो है ना वो ऑन माउस क्लिक की बजाय माउस पे हो तो माउस पे, यानी कि चेक कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई टाइम आप सेट कर देते हैं तो वो टाइम सेट के ऊपर जो है ना ऑटोमेटिकली उसको चेंज करता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, लव।